अज बठिंडा दे टीचर होम विखे जनतक जथेबंदियां वालों कीता गया एक सैमीनार ते 28 नूं लुधियाणा विखे कीती जाएगी एक विशाल रैली। इस मौके पंजाब बचाओ संयुक्त मोर्चा वालों 28 नवंबर को लुधियाणा विखे एक विशाल रैली की जाती है, जिस दे विच बुलारे ने बोलदा कहा कि जो सरकारां वालों कारपोरेट कराने दा हत्थ सारा कुछ दिता जा रहा है, इस दे विरोध दे विच साडे वालों एक लुधियाणा दे विच विशाल रैली की जा रही है, जिस दे विच वड्डे इकट्ठ किए जाणगे ते साडे वालों लगातार लोगों को लामबंद किया जा रहा है कि 28 की रैली विच वड्डी गिणती विच पहुंचना मैं मंगत राम पासला पंजाब बचाओ संयुक्त मोर्चे वालों इस सैमीनार नूं संबोधन करन वास्ते आया। पिछले दिन ही पंजाब दियां सारियां मजदूरां किसानां दियां विद्यार्थियां दियां मुलाजमां दियां जथेबंदियां ने मिल के अपने वख वख मसलियां नूं लै के जिहदे विच तीन खेतीबाड़ी दे कानूनां दा जिहड़ा मसला आया उह बुनियादी सेंटर दा मसला बना के एक पंजाब च मंच उसारिया जिहदा नां आ पंजाब बचाओ संयुक्त मोर्चा। यह मोर्चा पंजाब दे लोकां नूं इस गल्लों जानकारी देगा कि जिहड़ियां राजसी पार्टियां चोणां दा प्रचार करदियां जा रहियां रोज़ाना नवें नवें झूठे लारे ला रहियां, इन्हां उत्ते पंजाब दे लोकां नूं भरोसा करना नहीं चाहीदा ते बहुता भरोसा कीता भी नहीं जा रहा। ये सारियां उही तरां आ जिहड़ियां कारपोरेट घराणियां दे हक च आ जिन्हां ने लोगों के उत्ते बड़ा भारी भार पाया। तो असी चाहते हाँ कि लोगों में एक नवी राजसी चेतनता जिहड़ी चेतनता किसानी दी लहर ने पैदा की है उस चेतना नूं वधाया जाए, उहदा घर घर जा उहदा प्रचार किया जाए ताकि लोगों च भरोसा बने कि सारे जिहड़े पंजाब ते देश आ उहनूं बचाउण वालियां ताकतां भी बड़े अगे आ रही हैं, उन्हां ते भरोसा करके वो अपनी लहर नूं अगे वधाउण। इस करके मैं अज्ज इस सैमीनार नूं मैनूं आस आ कि असीं 28 नवंबर नूं जिहड़ी वड्डी रैली कर रहे हां लुधियाणे वो रैली पंजाब दे इतिहास की सब तो वड्डी किरतियां दी रैली होएगी। और कल्ला रैली नहीं होएगी, उहदे विच जिहड़ा नारा दित्ता जाएगा लोगों नूं कि अपने आप नूं तगड़े करके कुछ मसले असीं हल कर सकते हैं, सरकारां कुछ भावें ना भी करन इह भरोसा लोगों 'च पैदा करांगे, औरतों 'च करांगे, नौजवानों 'च भरोसा पैदा करांगे, किसानों मजदूरों 'च करांगे। अज ये सद्दा मैं देने वास्ते आया, मैनू आस आ कि मानसा बठिंडा दे इनकलाबी साथी इनकलाबी लोग क्योंकि ये जिहड़ा मोर्चा है गैर राजसी मोर्चा आ, असीं इहदे विच सारियां धिरां नूं शामिल करना, जिहड़ा किसानी का मोर्चा गैर राजसी मोर्चा आ ये मोर्चा भी इदां दा आ, इहदे विच धार्मिक जथेबंदियां समाजिक जथेबंदियां होर सारियां मनुखी अधिकारां दीआं जथेबंदियां लेखारी सभावां सब नूं शामिल करांगे ताकि पंजाब दे लोकां दी आवाज़ बुलंद की जा सके। असी लगता 1 लाख तो उत्ते लोग इकट्ठे कर समर्थ रखते हैं, सानू भावना जो लोगों का उत्साह है, बाकी जिमें जिमें मोर्चा चढ़ेगा 1 महीना रह गया असी पूरी जान ला के उन्हें कामयाब करांगे। बस असी मीटिंगां ते दौर आ जलूस जलसे आ, असी ये फैसला किया कि असी वेले नहीं महीना पर बहना, गुरु नानक देव जी दे ते गुरु तेग बहादुर जी दे तेग बहादुर जी का शहीदी दिन आ, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन आ, असी उन्हां दोनों दिनों के उत्ते भी गुरुद्वारा साहब च होर थां ते जावांगे ते बाबे नानक दा ते गुरु तेग बहादुर जी का सुनेहा लोगों नूं देवांगे। असी इस समय के दौरान करतार सिंह सराभे का दिन भी मनावांगे, जिदन पंजाब के हज़ारा नौजवान मोटरसाइकलों ते पंजाब च सराभे का सुनेहा दे के घूमणगे और 28 नवंबर की रैली नूं कामयाब करनगे। असी एक दिन औरतों वास्ते भी ला रहे हैं, औरतों नूं कहना भी तुसीं जिहड़ा गैस या सिलेंडर दीआं कीमतां 3 गुणा वध गईआं और लोगों ने सिलेंडर बाहर रख दिता घर तो अपने भी, असी सिलेंडर ना नहीं रोटी बना सकती हाँ, सानू गोहा ही चंगा हो इन्ना महंगाई है। असी औरतों नू भी कहना भी अपने मुहल्लिया खाली पीपे लैके खाली सिलेंडर लैके मुजहरे करो ते औरतों का काफिला वड्डा 28 तरीक नू उत्थे पहुंचे, ये असी 1 महीना पूरा तैयारी चलावांगे। जे तुसी चाहुंदे हो कि हर तरह की खबर तुहाडे तक पहुंचे तो तुसी मेरे चैनल नू सबसक्राइब करो अते घंटी नू ऑल ते करो।